सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने विधानसभा क्षेत्र के गांव में लगने वाले मेला मड़ई में शिरकत की। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 150 से अधिक देवगुड़ियों और माता गुड़ियों के संरक्षण की बात कहते हुए जैन ने कहा कि बस्तर की पहचान इसकी आदिम संस्कृति है, जिसका संरक्षण और संवर्धन कांग्रेस सरकार कर रही है। उन्होंने उपनवाल सरपंच कामिनी नागेश को मेला संरक्षण संवर्धन के लिए 1,00,000 रुपए का चेक सौंपा। अंबिकापुर में कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस दौरान शासकीय कार्यालय से अधिकारी कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिलने पर कलेक्ट्रेट ने विभागीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कार्यालय समय के दौरान 15 से 20 अधिकारी कर्मचारी दफ्तर से नदारद पाए गए। वहीं कलेक्ट्रेट ने लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब नहीं मिलने पर वेतन कटौती की और कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं कलेक्टर ने कर्मचारियों को दफ्तर में रहने के निर्देश दिए हैं। आज कंपोजिट बिल्डिंग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया और ये निरीक्षण जो है करीब 2.5-3 घंटे चला है। बहुत सारे कार्यालयों में अच्छी उपस्थिति थी, लेकिन कुछ कार्यालयों में टूर दिवस के नाम पे या कहीं पे इंस्पेक्शन पे अधिकारी निकले हुए थे, तो एक बार उनको दबिश भी दी गई है और ये समझाइश सभी अधिकारियों को दी गई है कि मुख्यालय सोमवार का जो दिवस है वो कार्यालय दिवस हो, उसमें कहीं कोई। जगदलपुर के धर्मापुरा क्षेत्र के कंगोली में वार्षिक मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में पूर्व विधायक रेखचंद जैन भी पहुंचे। इस मेले में धर्मपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से शिरकत की। वहीं पूर्व विधायक जैन ने मंदिर में जाकर देव पूजा की। इसके बाद उन्होंने मेले में आए देवताओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जगदलपुर में बस्तर के विकास को लेकर जमीनी स्तर पर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक और जनता कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समस्याओं के समाधान को लेकर मांग की गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवनीत चांद बस्तर के सर्वागीण विकास के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय है, जो जनता के संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत सभी वार्डो के बाद बस्तर के गाँव में जन चौपाल भी लगाया जा रहा है। सुकमा में तहसीलदार, नायाब तहसीलदार सहित अधिकारियों के हड़ताल पर चले जाने के तहसील कार्य प्रभावित होता है दिखाई दिया है। दूर दूर गांव से आए लोग इधर उधर भटकने को मजबूर दिखे। लोगों का कहना है कि हम सभी कामों को छोड़कर तहसील में आए, लेकिन यहां आने पर पता चला कि अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। एकाएक अचानक हड़ताल होने से हमें बहुत परेशानी हो रही है। इस संबंध में तहसीलदार अर्जुन श्रीवास्तव से फोन पर चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि सभी अधिकारी एक दिवसीय अवकाश लेकर सांकेतिक हड़ताल पर है। मेरा नाम अंकुर नाग है, मैं कुमारपाड़ा क्षेत्र से आया हूँ। क्या है समस्या लेकर? समस्या मेरे जमीन से विवादित कुछ समस्या है जिसको लेकर आया हूँ। पूरे परिवार, हम लोग पूरे फैमिली आए हुए हैं और सुबह से इंतजार कर रहे हैं और सबके सब बोल रहे हैं यहाँ पे छुट्टी है, हड़ताल है, 2 से 3 दिन और रुकना पड़ेगा। हम लोग बहुत परेशानी है। इसमें सोचना चाहिए कि एक अधिकारी अगर छुट्टी ले रहा है तो कोई दूसरा रहे उसकी जगह, जो हम जो गरीब लोगों का काम। नाम बताओ। स्वयंवर से किया। किस लिए आए हो आप लोग? कहाँ से आए? आपका बेसिक रेट था, क्या हुआ तो जोर हड़ताल हो रहा है आज की। इस चीज़ों का आपको जानकारी नहीं था? जानकारी नहीं था, अपडेट दिए थे हम लोग। बाबू वाबू हैं यहाँ? नहीं है, बाबू भी नहीं। अगला डेट के लिए इंतजार कर रहे हैं। कितने दूर से आए हो? 15 किलोमीटर। आए दिन क्या परेशानी रहता है क्या यहाँ तहसील में?
बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक में ग्रामीणों द्वारा अनियमितताओं की बात सामने आ रही। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के समीप शमशान घाट के पास एक नए हैंडपंप का निर्माण होना था, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि हैंडपंप का काम अधूरा ही रह गया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने कागजों में पूरी तरीके से इस कार्य को पूरा कर दिखाया है। हमारी टीम ग्रामीणों के बताए अनुसार निरीक्षण के लिए गई तो ग्रामीणों की बताई हुई बातें बिल्कुल सही पाई गई। नलकूप खनन के अधूरे कार्य की जानकारी के लिए पंचायत पाहुर बेल के सचिव से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि सारे काम जिला पंचायत स्तर से होते हैं, हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क करके उन्होंने जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। शायद आपके माध्यम से पता चल रहा है कि पाहुर बेल ग्राम पंचायत में शमशान गांधी पास के से 15 से हैंडपंप कराया गया था। आपके फोटोग्राफ्स के माध्यम से पता चल रहा है काम अधूरा है, हम इसको जांच करा करके उचित कार्रवाई करेंगे। अगर गलत किसी ने किया तो उस पर भी उचित रूप से कार्रवाई करेंगे। और मेरा आप रहे कि एक शिकायत कर ग्रामीणों से दिलाग जी ताकि मैं नोटिस देकर सरपंच सचिव को बुलाया और उसके तहत जाँच करें। मैं पाहुर बेल ग्राम से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और हमें ये दस्तावेज के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे शमशान घाट में बोरवेल का निर्माण किया गया है और जिसका कि अभी तक कोई औचित्य यहाँ पे नज़र आ नहीं रहा है और पानी मिलना तो दूर की बात और पेपर पे ही पेमेंट भी हो चुका जो कि मैं देख रहा हूँ, ये मेरे सामने है कागजात जिसमें कि नवीन हैंडपम्प खनन कार्य शमशान घाट पाहुर बेल में 1,40,000 रुपये इसके लिए सैंक्शन हुए हैं जो कि अभी पूर्ण रूप से चालू हालत में नहीं है और न ही यहाँ पे कोई हैंडल है पंप में, न ही कुछ है। एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट में खुशी की लहर दौड़ गई जब डीके मोहंती निदेशक उत्पादन ने अनुष्ठान पूजा कर कोक ओवन बैटरी नंबर 2 में कोयला चार्ज कर इसे कमीशन किया, यानी कि अब निर्धारित अवधि के बाद कोक ओवन बैटरी इस कोयले को कोकिंग कोल के रूप में डिस्चार्ज करेगी। इसके साथ नए कार्यरत बैटरी से उठता काला धुआं भी बंद हो जाएगा। इस दौरान श्री मोहंती ने कहा कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस कोक ओवन कॉम्प्लेक्स आज पूरी तरह कार्यरत हुआ है। जांजगीर में जिला मुख्यालय के पुनी बस्ती के निवासी देवेंद्र राठौर ने कला संस्कृति को संजोए रखने के लिए पुराने जमाने के अंदाज को अपनाया। उन्होंने अपनी शादी के प्री वेडिंग के लिए अलग तरीके से तैयारी की जो फोटो में देखा जा सकता है। पूरे क्षेत्र में ये शादी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। देवेंद्र राठौर ने नौजवानों को अपने संदेश में कहा कि हमें अपनी छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के साथ पुरानी पहनावा को नहीं भूलना चाहिए। आजकल के नौजवान पुरानी परंपरा को भूलते ही जा रहे हैं। छह साल पहले 74वीं वाहिनी के वीर जाबाजों ने नक्सलियों से लड़ते हुए बुर्कापाल में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हीं जवानों की शहादत को 74वीं वाहिनी और पुलिस बल के द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान दोरनापाल, बुर्कापाल व अन्य सीआरपीएफ कैंपों में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। जैसा कि विदित है आज के दिन यानी 24 अप्रैल 2017 को इस वाहिनी के जवानों ने अपनी ड्यूटी के दौरान नक्सलियों द्वारा घात लगाकर हमला होने की वजह से अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था और अपने कर्तव्य की बलबेदी पर शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जाता है और उसी क्रम में इस साल किया गया। खबर गिरशा सारगढ़ बिलाईगढ़ जिले से है जहाँ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ज्ञापन सौंपने सरसीवा थाना पहुंचे, जहां रोजगार सहायक के विरोध में खूब जमकर नारेबाजी किया गया। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बता दें इस दौरान ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कौन गाली दी से? सरपंच
पंचायत भवन में मैं पूछे तोला कौन सा चुपट हो यहाँ तला बता कहे तो वो कैसे कहा थे पंचायत पछा है तक पंचायत कौन होते हम अल्लाह तो गुड़ी में बला थे थाना आए हैं पंचायत ला हम चिन्ह लिया तोला थाना वाला पठोईस धनगा वाला लानीस तेला बता कहे आऊ और टूरी पिला मन ना लिखा दी तो मन नहीं बोली तला दूसरा टूरा गवाही है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।